नमस्कार, आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ न्यूज। नजर डालते हैं यूपी की आज की बड़ी सियासी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने गोरखपुर में गोरक्षनाथ चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ की मार्टिनगंज तहसील में हुए पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार हर मुद्दे पर पूरी तरह से विफल है। ये सरकार गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोगों के विरोध में काम कर रही है। कांग्रेस और बसपा की सियासी लड़ाई और भी बढ़ गई है। राजस्थान में बसपा के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल हो जाने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर बसपा विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक बार फिर बीएसपी के विधायकों को तोड़कर गैर भरोसेमंद व धोखेबाज पार्टी होने का प्रमाण दिया है। तो फिलहाल अभी इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूपी की सभी बड़ी खबरें आपको लगातार मिलती रह सकें।